के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास में आयोजित विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजाति के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम ने कहा कि सरकार घुमक्कड़ जनजाति के लोगों को सारी सुविधाएं देंगी, जनजाति के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने जनजाति के लोगों से अपील की कि वो घूमना बंद कर एक जगह बस जाएं ताकि उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने यह भी कहा कि घुमक्कड़ जनजाति को एससी एसटी में शामिल किया जाएगा, साथ ही उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान सीएम ने लोगों को नशा छोड़ने और स्वच्छता रखने का संकल्प दिलाया। अब मैं भटकने नहीं दूंगा बहनों और भाइयों, भटकते भटकते कई चीजें चली गई। अब तो मैं एक स्थान पर बताना चाहता हूँ, बसोगे क्या ईसा मैं बताओ, बसोगे क्या? और इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं घुमक्कड़ और घुमक्कड़ जातियों के हमारे वो भाई लोग हैं जिनके पास रहने का इलाज नहीं है, उनको रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भाई, अपना भी तो घर पर ठिकाना हो। अरे चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसलों में रखती है बरसात से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। तो इंसान के बेटे बेटियों के घर होना चाहिए कि नहीं? आज हम ये तय करते हैं कि पहली चीज हम आपको रहने की जिनकी है उनका प्राप्त ठीक है, जिनके पास नहीं है उनके रहने की जगह की व्यवस्था युद्ध स्तर पर हर जिले में हम करेंगे। और दूसरी चीज केवल रहने की जगह की व्यवस्था नहीं, वहां मकान बनाने का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया गांव में और उसमें 12,000 रुपया आरक्षण पहुंचाने के लिए, मकान में शौचालय होना चाहिए कि नहीं? बाहर जाना बंद, इज्जत के साथ मर्यादा के साथ घर में अपने टॉयलेट होगा, लैट्रिन होगी, शौचालय होगा, वहां घर में जाएंगे तो 1,20,000 साल आएगा 1,32,000। और मकान अगर खुद बनाओगे तो मजदूरी भी दिलवा दूंगा मेरे बहनों और भाइयों, तो 1,00,000 रुपया मिल जाएगा।